क्या शुभ शुभ पूरा करते हो सरदार? अपने महाराज ना वो इलाज के लिए विलास जा रहे हैं, इसके लिए सबको राम राम जपना चाहिए। रानी मां सरदार अभी आया, अभी आया। देख चंदन, ये तेरे रोज रोज के जहां से आज तुझे जूते खिला कर रहेंगे। जानता नहीं मुझे महाराज के दंगल में जाना है? नहीं ये बात नहीं, बात ये कि तुम्हारा गुस्सा बहुत खराब है और मेरा दिल बहुत धड़कता है, बहुत कमजोर है, फौरन बंद हो जाएगा, फिर भी मैं तलवार नहीं बनाऊंगा। नहीं बनाएगा? नहीं बनाऊंगा, बिल्कुल नहीं बनाएगा। भले तुम गांव के सरदार हो फिर भी मैं तलवार नहीं बनाऊंगा। तलवार नहीं बनाएगा? सरदार माँ ने मना किया था कि इसकी तलवार नहीं बनाना। माँ ने मना किया था? हाँ माँ ने मना किया था कि गुस्सा इसकी नाक पे रखा रहता है और गुस्से के साथ साथ अगर तलवार भी हाथ में हो तो खेल खेल में जेल हो जाए। माँ को किसने बताया होगा? अरे वो उनकी लाडली मंगला ने। मंगला ने? हाँ मंगला ने। गुस्सा बेकार ही गया फिर। बेकार क्यों गया? वापस ले लो। बस एक ही हाथ में तारे दिखाई देने लगे। मंगला मंगला भाई शेर जख्मी है। मंगला मैं तुझे चुगली खाने के लिए थोड़ी जिंदा रखूंगा, आज तुझे कुएं में फेंक के तेरा कस्सा ही खत्म कर दूंगा। सोच ले मरने के बाद मंगला बहुत याद आएगी। अरे जा चुड़ैल, तू क्या याद आएगी? निकाल निकाल मुझे, मैं गिर जाऊंगी। अरे मेरा दम घुटा जा रहा है, तुझे मेरी कसम मैं मर जाऊंगी। बस एक शर्त से तेरी जान बच सकती है। मुझे तेरी हर शर्त मंजूर है। मंजूर है ना? माँ के पास से वो तलवार चुरा के ला देगी? नहीं नहीं वो नहीं लाऊंगी सरदार, माँ मुझे मार डालेगी। नहीं लाएगी तो जा फिर। तू लाऊंगी लाएगी चल लाऊंगी तो जा जाके ले। नहीं लाती नहीं लाती नहीं लाती। सरदार माँ मुझे बचाओ। सरदार माँ सरदार माँ सरदार माँ मुझे बचाओ। जाओ बे बचाओ। सरदार माँ सरदार माँ सरदार माँ मुझे बचाओ। सरदार माँ सरदार माँ ठहर जाओ। किधर जाएगी तू? अब किधर जाएगी तू? क्या तमाशा है जय? ऊंट जैसा कद बढ़ा लिया, मगर चोंच देने गए? तुम भी हमेशा मुझी को टोकती हो मत। इस स्त्रीया को नहीं कहती जिसने मेरा नाक में दम कर रखा है? उसका क्या, वो तो लड़की है। तो मेरा क्या, मैं भी लड़का हूँ। मैं भी तो लड़का हूँ। देखा माँ, इस लड़की का ब्याह करके इसको इस घर से निकाल दो। बस इसको इस घर से निकाल दो माँ। और ना मैं सच कहता हूं कि मैं हिमालय की चोटी पर संन्यास लेकर इसको ऐसा श्राप दूंगा, ऐसा श्राप दूंगा कि ये मंगला सीमेंट की बन जाएगी। माँ साधु महाराज, फिर आपको तलवार की क्या जरूरत है? कमंडल चोला ला दूं? पहले तुझे किसी भैंसे के गले बांधकर तेरा चोला तो बदल डालूं। वो कुआं याद है? तो जा मेरा चोला और कमंडल दोनों ले आ। माँ मैं जा रहा हूं, मुझे आशीर्वाद दो कि तुम्हारा जय विजय हो। जय तो सियाना हो गया है, इन अन्य बच्चों की तरह उछलना कूदना छोड़, तुझको लाज नहीं आती? जिसके साथ बचपन से अब तक हंसता खेलता रहा उसके साथ आज खेलने में लाज क्यों आए? माँ बचपन के खेल बचपन में ही भले मालूम होते हैं। जानता है अब मैं तेरे साथ उसका ब्याह करने वाली हूं। तुम ये कैसी बातें करती हो माँ? मैं उस चुड़ैल के साथ ब्याह नहीं करूंगा। मैं चुड़ैल हूं और तेरे लिए तो जैसे राजकुमारी आएगी, नाक काट डालूंगी उसकी। जरा ला तो सही। ओ, 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 ओ,
जवानी कलिए झूमता घर आया है सावन। ओ रंग मेरी जवानी कलिए झूमता घर आया है सावन। हा 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 ओ सखी हो रे सखी आया है सावन। मेरे नैनों में है साजन। भाई जी महाराज तांबा राज के बसने वालों, कौन है तुम में से जो इस तलवार को नहीं पहचानता? इसी अवसर पर हर साल ये शमशेर बहादुर शमशेर सिंह का नाम ललकारती हुई निकलती है और उसी बहादुर का सिक्का जमा कर वापस जाती है। आज फिर ये तलवार महाराज की आज्ञा से तुम लोगों के सामने लाई गई है। है किसी में हिम्मत जो इसके लोहे से अपनी तलवार का लोहा आजमाना चाहे? जीतने वाले के लिए महाराज ने बहुत बड़ा इनाम मुकर्रर किया है। शमशेर सिंह का मुंह बंद करने के लिए। क्या तुम नहीं जानती कि वो हमारी ही तलवार थी जिसने इस राज्य की बुनियाद रखी? मैं तो जानती हूँ, मगर तू ये भूल गया कि इस तलवार पर तेरे बाप दादा ने राजघराने की रक्षा की सौगंध खाई। तो फिर आज ये शमशेर सिंह हमें क्यों ललकारता है? ये हमारा अपमान है।
हाराओं की तलवार कभी राज के खिलाफ नहीं उठती, ये हमारी आन। किसके मुंह में दांत हैं जो हमारी तलवार का जवाब दे सके? राज्य हमने अपनी तलवार से हासिल किया है और अपनी तलवार ही के बल पर इसको कायम रखी। शान और गुरूर दोनों से तुम्हारी ही तस्वीर मालूम होती। आपके राज में इसका जोड़ नहीं है। भगवान ने अपनी धरती पर कोई चीज बेजोड़ पैदा नहीं की है। किसी की मजाल जो इस पर काबू पा सके? मुश्किल तो बहुत है, मगर कोई काबू पा ले तो क्या हारोगी? आप जो हुक्म देंगे। सोच लो। सोच लिया, आप आज्ञा दीजिए। तुम्हारी खुशी। प्रजाजनों, अगर तुम में से किसी को अपनी घोड़े सवारी पर नाज हो तो आज अपने अरमान पूरे कर ले। राजकुमारी की घोड़ी तारा को काबू करने वाले के लिए महाराज ने 100 सोने की मोहरे इनाम में मुकर्रर की है। 100 सोने की मोहरे? इसमें तो एक बड़ा सा घर, एक बीवी, दो लड़के, 4 लड़कियां। पहले जाके घोड़ी को तो काबू कर। क्या कहा? अरे घोड़ी को तो मैं चुटकी बजाते हुए काबू कर लूं, मगर डरता हूँ कहीं मेरी बीवी विधवा हो जाए। अरे तेरी बीवी विधवा हो जाएगी तो मैं तो उससे ब्याह कर लूंगी। सरदार, सरदार तुम गवा रहना, बंगला तुम तैयार रहना, मैं अभी जाके घोड़ी पर बैठ कर आता हूँ। हल्दी चूना पीस कर रखूंगी। तूने आज हाड़ों की नाक कटवा दी। क्या कहा? अरे हाड़ों की नाक तो सलामत है, मगर हाड़ों की तुम कट गई। क्या हंसता है? ये ले चूड़ियां पहन कर बैठ और मैं अब इसको घोड़ी पर काबू करूंगी। बैठ इधर। सरदार चूड़ियां पहन लो, मगर उस घोड़ी के पास मत जा। सरदार बहुत गर्म है। सरदार मैं रोकूं उसे, रोकूं उसे। इस नौजवान के तेवर कुछ बिगड़े हुए मालूम होते। क्या फरमाते हैं आप भाईजी महाराज? ये देहाती लुत्फ आ जाए अगर यही काबू पा ले। आप क्या चाहते हैं? इतनी जल्दी क्या है? मैं जो चाहता हूँ वो भी नहीं कहूंगा। तुम पर हमारा कर्जा रहा, बैठो। देखो देहाती अपनी जीत का इनाम लेने आ रहा है, उसे अपने हाथ से इनाम तो दे दो। लो। खमा गणी खमा महाराज। शाबाश सरदार जयतिलक हाड़ा, हम तुम्हारी जीत से बहुत खुश हुए। बहन ये वो देहाती हैं जो अमन के जमाने में अपने हल से जमीन का सीना चीर कर हमारा पेट पालते और मैदान जंग में इसी हल की तलवार बनाकर राज की रक्षा करते। पहचान लो इनको,
यही तो वो हैं जिनकी तलवार के बल पर इस राज की बुनियादें कायम, इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने इनको सरदार कहा है। घोड़ी को मेरी नजरों के सामने से दूर करो। अगर मेरी जीत आपके दिल में खटकती है, मुझे आपका इनाम नहीं चाहिए, मैं अपनी जीत अपने साथ ले जाऊंगा। मैं इसको शूट कर दूंगी। जिस चीज पर मैं काबू पा लेता हूँ उस पर मेरा कब्जा हो जाता है। कब्जा करने के लिए हाथ में तलवार भी होनी चाहिए। राजपूत की तलवार जब उठती है दो में से एक का सर गिरता है। मगर ये तो खेल का मैदान है जयतिलक, और हम भी यही चाहते हैं कि आज जरा खेल खेल में राज और रियाया दोनों एक दूसरे का कज़बल आजमा लें, दुश्मनी से नहीं दोस्ती से। जो आज्ञा हो महाराज। नसीब हो तुम कि तुमने खेल में मेरे खिलाफ तलवार उठाई। ये तुमने क्या किया सरदार? तुमने जागो क्यों आवाज दी? तुमने उसे क्यों रोका सरदार? मैं तुमने उसे क्यों रोका? जहारा नहीं है, मैं अभी जाकर महाराज से कह दूंगी जहारा नहीं है। देखिए आपने इन बाजुओं की ताकत महाराज, ये राज्य हमने अपनी तलवार से हासिल किया है और अपनी ही तलवार के बल पर इसको कायम रखेंगे। किस्मत के धनी हो कुमार जी, अगर आज सरदार मना होती तो देखती तुम्हारी ताकत। जय को हराने के लिए कोई सात जन्म ले तो अभी पूरे ना होंगे। मैं डरने वाली नहीं, चाहे मेरी गर्दन काट दो मगर सच सच्ची रहेगा। तुम जय को कभी नहीं हरा सकते, तुम उसको कभी नहीं हरा सकते। छोड़ दो, जय तेरा कौन है? अभी तो कोई नहीं है महाराज, मगर हो जाएगा। वो सरदार मां उसके साथ मेरा लगन करने वाली है, मगर महाराज वो कहता है कि मैं चुड़ैल के साथ ब्याह नहीं करूंगा। फिर भी महाराज ये घोड़ी मैं उसके लिए जरूर ले जाऊंगी, नहीं तो मारे गुस्से के वो रात को रोटी भी नहीं खाएगा। घोड़ी को स्तबल में ले जाओ। ठहरो बहन, तुम हमारी तरफदार हो, चुकाओगी कर्जा? एक अदना लड़की की तरफदारी करके आप अपनी बहन का अपमान कर रहे हैं। ये अपमान नहीं, इंसाफ है। ये खुली हुई बेइंसाफी है महाराज, मैंने भरे मजमे में उसकी तलवार तोड़कर उसे शिकस्त दी है। अपनी ताकत के नशे में तुमने नहीं देखा, तलवार इसलिए तोड़वा दी गई कि वो अपनी आन नहीं तोड़ना चाहता था। ये लड़की ठीक कहती है, तुम घोड़ी ले जा सकती हो। आप देवता है महाराज। नहीं बेटी, हम भी तुम्हारी तरह इंसान हैं। जाओ अपने जय को रोटी खिलाओ। महाराज
कहा था कि मैं घोड़ी पर काबू करूंगी। देख मैं ले आई हूँ, जल्दी आई हूँ। तो इस तरह मुलट गए हुए क्यों बैठा है, हंसता क्यों नहीं? अरे तू कोई हारा थोड़ा ही है, तेरी जीत का तो महाराज ने भी इकरार कर लिया है। उन्होंने कहा शमशेर सिंह तुम झूठ बोलते हो, मंगला सच कहती है। मंगला ले जाओ घोड़ी। मेरी प्यारी प्रजा, मैंने आज आपको अपने साथ ये खेल तमाशा देखने के लिए इस वजह से बुलाया है कि मुझे आपसे और आपसे कुछ बातें कहना है। आपने देखा कि मेरे भाई शमशेर सिंह ने आपको अपनी तलवार के जौहर दिखाने के लिए आपके सामने अपनी तलवार पेश की। मेरी बहन राजेश्वरी ने अपनी मगरूर घोड़ी तारा को मैदान में भेजकर आपको अपनी शहसवारी की शान दिखाने का मौका दिया। आपने देखा कि तलवार टूट गई और गुरूर का सर भी नीचा हो गया। मगर मैं आपको एक ऐसी चीज भेंट करता हूं जो अमर है, जिसको न कभी हार होती है और न जिसका सर कभी झुकता है, वह है प्रेम। जाती हैं, मगर कुछ बारियां ऐसी भी हैं जो हार कर जीती जाती हैं। बहन, तुम्हारा गुस्सा भेजा है। गुस्सा मुझे अपनी हार पर नहीं, आपके विचारों पर। आखिर आप चाहते क्या? मैं वही चाहता जो वक्त हम सबसे चाहता है। क्या वक्त ये चाहता है कि कल जो लोग हमारे सामने सर उठाने की हिम्मत नहीं करते थे, आज वो हमारी आंखों में आंखें डालकर इस तरह घूरे जैसे हम उनके मालिक नहीं बराबर के। मैंने आपके सफर का पूरा इंतजाम कर दिया महाराज, आपका जहाज भी तैयार है। हवाबाजों का कहना है कि आपके जाने के लिए हवा बहुत मुआफिक है। हवा का क्या भरोसा, किसे खबर कब रुख बदल। भगवान आपको हजारों साल हम पर राज्य करने के लिए जिंदा रखे। आपका ऑपरेशन कामयाब होगा और आप बहुत जल्द वापस आएंगे भाई जी महाराज। तुम्हारा भाई शायद वापस आ जाए, महाराज नहीं। चाहता हूं कि जाने से पहले हकदार को उसका हक पहुंच जाए। ये मेरा फरमान है जो मैं तुमको सौंप रहा हूं शमशेर। आप लोगों को धोखा हुआ है, मेरा वारिस शमशेर सिंह नहीं। फिर कौन है महाराज? मेरी प्रजा, जय प्रजा। तुम भी इस फरमान पर दस्तखत करो शमशेर। जो हुक्म महाराज।
अगर आपके सीने में भाई की जगह बाप का दिल होता तो क्या आप यह अन्याय करते? महज भाई का दिल होता तो शायद अन्याय हो जाता, मगर मेरे सीने में बाप का दिल है, जो हजारों बरस के अन्याय को तोड़कर आज पहली बार अपने बच्चों के साथ न्याय कर रहा है। मेरे बच्चे मेरी प्रजा है। गुलामों को बच्चे कहकर आप हमारे बाप दादा की आन बान को मिट्टी में मिला देना चाहते हैं? बहन, वो अपनी आन बान अपने साथ ले गए, सोने के चौकटों में जकड़ी हुई कुछ तस्वीरें छोड़ गए, और अगर सच पूछो तो हम भी शाही महल की सुनहरी दीवारों में जड़ी हुई जिंदा तस्वीरें। महाराज, जिंदा तस्वीरों के हाथों में जिंदा तलवारें भी हैं, जो हुकूमत करती हैं। भगवान ने तुम्हारे हाथों को तलवार पकड़ने की शक्ति दी है, मगर तुम्हें यह न भूलना चाहिए कि जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाले की ताकत ज्यादा होती है। हुकूमतें बनती हैं और मिटती हैं, तलवारें चलती हैं और टूटती हैं, मगर प्रजा की जागी हुई उमंगों को न कभी कोई ताकत कुचल सकी है और न कभी कुचल सकेगी। करना महाराज, आप राजा को प्रजा और प्रजा को राजा बनाना चाहते थे। मंगल सिंह, तुम महाराज की जगह उनके जहाज से विलायत जाओगे। मगर मंगल सिंह राजकुमारी की नजरों से कैसे बच सकेंगे? राजकुमारी महाराज से जरूर मिलना चाहेंगी। राजकुमारी महाराज से नहीं मिल सकेंगी। सूरमा जी, तुमने मेरे लिए अपनी जान देने की जिद पूरी करके आज अपने राजा को नहीं प्रजा को जिला लिया। धनवानों के दिल की नगरिया मेरी,
गीत उसके गाऊं। गीत लिया है तन मन जिसने गीत उसके गाऊं। ओ, 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 ओ गीत उसके गाऊं। पीपी की धुन पे हरदम नाचे मेरा जिया। किसी को क्या वो किसी को क्या, मैं रानी हूँ राजा की, राजा मेरा पिया। किसी को क्या वो किसी को क्या। हो जंगली फूल, जंगली फूल में बड़ा जहरीला कांटा होता है कुंवर जी। मेरी उंगलियां फूलों के साथ कांटों से भी खेलना जानती हैं। वो कागज के फूल होंगे, ये संग नेरा है, यहाँ बड़े बड़े सूरमा रास्ता चलना भूल जाते हैं। तो ये इसकी साजिश थी? नहीं नहीं, इसके तो सरदार को खबर भी नहीं थी। ये पेड़ तो हमने रास्ता रोकने के लिए गिराया था। कुंवर जी की मोटर ने अनाज की गाड़ी उल्टा दी थी। ए, चलो हटाओ ये दरा, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? अजी, इसको हटाने के लिए तो रात से गधों की बर्तन बुलवानी पड़ेगी। गधों के बराबर हो? मैं तो प्रेमी गधा हूँ, सिर्फ प्रेम का बोझ घसीटता हूँ। तुम लोगों की किस्मत का सितारा कुछ चक्कर में दिखाई देता है। देखती नहीं, दो सितारे आपस में टकराने वाले हैं। जब रात की गाड़ी फंस जाती है तो किसान के बैल ही काम आते हैं। चंदन जाओ, राजकुमारी को बैलगाड़ी में छोड़ा। सितम गर दिल में तेरे आग उल्फत की लगा दूंगा। मेरे हुक्म के बगैर इसे कोई खुलने ना पाए। स
सितमगर दिल में तेरे आग उल्फत की लगा दूंगा, कसम तेरी तुझे मैं प्यार करना भी सिखा दूंगा। क्षमा कर दीजिए राजकुमारी, वो पागल मालूम होता है। मैं उसका पागलपन ठीक कर दूंगी। वो ठीक होने वाला नहीं है, मानने से उसका पागलपन और भी बढ़ जाएगा। खैर ये चाहते हो तो यहां से चले जाओ। चला जाऊं? अब बुलाइएगा तो नहीं आऊंगा। सुमा जी बंद कर दो इसको। अगर इन लोगों को समझाइए ना, ये लोग समझते हैं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। माय बाप तुम ही कुछ हमारे ऊपर मेहरबानी करो ना। हमारे जाने के लिए गाड़ी का इंतजाम करो। ये तो आप बड़ा जुल्म कर रही हैं बेचारे पर। एक तो वो आता नहीं था, मैं खुशामद करके ले आई। तू क्यों उसको अपने साथ ले? यू ही गाता बड़ा मधुर है, मैंने सोचा यह जंगल में रात कैसे कटेगी, उसका गाना ही सुनेंगे। मोहब्बत चूमे जिनके हाथ, जवानी पांव पड़े दिन रात, सुने फिर हाय वो किसकी बात हो। मोहब्बत चूमे जिनके हाथ, जवानी पांव पड़े दिन रात, सुने फिर हाय वो किसकी बात हो। सुंदर मुखड़ा उनका, उस पर लाख अदाएं, हम अपने दिल को कहां ले जाएं, अकेले दूर खड़े ललचाएं। एक तो सुंदर मुखड़ा उनका, उस पर लाख अदाएं, हम अपने दिल को कहां ले जाएं, अकेले दूर खड़े ललचाएं। चांद सितारे मस्त नजारे, सब है उन्हीं के साथ। मोहब्बत चूमे जिनके हाथ, जवानी पांव पड़े दिन रात, सुने फिर हाय वो किसकी बात हो। अब क्या हुक्म है? उसे अभी अपनी कैद में रखिएगा या आजाद करवा दो? सुन, उसको यहां बुला। मगर उसने तो कहा था कि अब बुलाइएगा तो नहीं आऊंगा। उसकी क्या हस्ती जो मेरे हुक्म मानने से इनकार करे? मोहब्बत चूमे जिनके हाथ, जवानी पांव पड़े दिन रात, सुने फिर हाय वो किसकी बात हो। चलो ताला खोलो। सरदार, राजकुमारी ने हमको खाने के लिए बुलाया, चलो। खाने के लिए नहीं, गाने के लिए। गाने के लिए? तो चलो
हम तुम्हारे मेहमान हैं तो तुम्हारे लिए गा भी देंगे। ए राजकुमारी से कहो मेरे गीत इसके लिए नहीं है। तो फिर किसके लिए है? वो एक बहुत ही सुंदर औरत थी। सरदार। अच्छा। हाँ तुम क्या कर रही हो? तुम भी तो सुंदर हो। तुम जाओ। बंद कर दो ताला। नहीं खुला रहने दे। मोहब्बत चूमे जिनके हाथ, जवानी पाँव पड़े दिन रात, सुने फिर हाय वो किसकी बात हो। वो नहीं आता, कहता है कि मेरे गीत राजकुमारी के लिए नहीं, एक सुंदर औरत के लिए है। फिर तूने क्या जवाब दिया? मोहब्बत चूमे जिनके हाथ, जवानी पाँव पड़े दिन रात, सुने फिर हाय वो किसकी बात हो। रूपनगर से आकर चंदा, उनका रूप चुराए, मेरा मन देख देख रह जाए, भला ये बात मुझे क्यों भाए। रूपनगर से आकर चंदा, उनका रूप चुराए, मेरा मन देख देख रह जाए, भला ये बात मुझे क्यों भाए। नैन में उनके काजल बन के रहे सुहानी रात, मोहब्बत चूमे जिनके हाथ, जवानी पाँव पड़े दिन रात, सुने फिर हाय वो किसकी बात हो। तुम्हारी बातों से बगावत की बू आ रही है। किसी की मगरूर आंखें मुझे बगावत के लिए सारी। महाराज नहीं चाहते कि राजघराने और हाड़ों के पुराने संबंध को तोड़ा जाए। मैं भी यही कोशिश कर रहा हूं कि इस संबंध को इतना मजबूत कर लिया जाए कि टूटने का डर न रहे। मैं तुमको क्षमा किए देती हूं, शायद इस वक्त तुम अपने होश में। आपकी निगाहें मेरे दिल की गहराइयों तक पहुंच गई। वाकई किसी के मत भरे नैनों ने मुझे मदहोश कर रखा। झूठ। कौन है वो जिसने तुम्हारे दिल से तलवार की मोहब्बत छीन कर अपना प्रेम बसा दिया है? राजकुमारी वो तलवार से ज्यादा कातिल है। उसने अभी तक मेरी मोहब्बत का इकरार नहीं किया। मनोरी, चाहे तिलक को विदा कर दो। आज जो आपने ये मेरा दिल बढ़ाया, उसकी याद में मैं आपके गले का ये रुमाल ले जाना चाहता हूं। मैं तुमको शूट कर दूंगी। मैं जो चाहता हूं वो हासिल कर लेता हूं। अरे भाग जाओ यहां से, तुमने अभी तक राजकुमार का गुस्सा नहीं देखा है। क्यों अपनी जिंदगी के पीछे पड़े हो? ऐसे गोली मार देगी, ठंडे ठंडे लेट जाओगे। तुमने अभी तक राजकुमार का गुस्सा नहीं देखा है। और तुम्हारी राजकुमारी ने अभी तक मेरा प्यार भी नहीं देखा। हाय राम। कैसा जालिम।
बहादुर हाड़ा चोर भी है? चोर नहीं, डाकू। जिसे तुमने बुलावा दिया। मुझे उसका इंतजार भी था। तो ये कहो कि तुम बेचैन थी, तुम्हारा दिल मेरी मोहब्बत को आजमाने के लिए बेताब था। सिर्फ एक रुमाल के लिए तुम मुझ पर गोली चला रही, ये तुम्हारे राज का फूल है जो तुम्हें दिल की बात कहने से रोक रहा है। तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो रही है? मैं तुमसे नफरत करती हूँ। क्यों झूठ बोलकर अपने खूबसूरत होठों पर जुल्म कर रही है? तुम्हारी आंखों के शोले मुझे अपनी जान की बाजी लगाने का हुक्म दे रहे, लेकिन जलने से पहले एक बार यही रुमाल गले में डालकर तुमसे होली खेलने आऊंगा। अपमान के लिए मैं तुमको भरे बाजार में कोड़े लगाऊंगी, और मैं तुम्हें इस महल की ऊंची ऊंची मकरूर दीवारों को तोड़कर झोंपड़ों में ले जाऊंगा जिनसे तुम नफरत करती हो, उनसे मोहब्बत करना सिखा दूंगी। कर लो गिरफ्तार इसको। जो तुम्हारा गिरफ्तार हो चुका हो उसे और कोई क्या गिरफ्तार करेगा? क्या हुआ?
मोहब्बत का देखो अंजाम ना, राम जाने कब होगा सैया जी का सामना। कोई नहीं, मुंह छुपा करके समझती है कि दिल की बात छुप जाएगी। ये देखा तूने क्या है? ब्याह का जोड़ा। कौन पहनेगा इसको? जैकी दुल्हन। कौन है जैकी दुल्हन? जो इसे पहनेगी। तेरे लिए बड़ी अच्छी चीज लाने गया था। चीज भी मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये बताओ तुम थे कहाँ? आहिस्ता बोल, माँ जाग गई तो तेरा गला दबा दूंगा। दबा दो, तुम्हारे लिए ही तो बना है। जब तक नहीं दबाओगे इससे यही आवाज निकलती रहेगी कि तुम थे कहाँ, तुम थे कहाँ, तुम थे कहाँ। कौन है पूछने वाली है? कौन हूँ मैं? चलो बताऊँ तुम्हें। चल बता। ये देखा क्या है? क्या? ये मैं हूँ। ये देखा, ये क्या? क्या है? ये मैं हूँ। माँ, मैं जानता था ये चिल्ला चिल्ला के तुम्हें जगा देगी। मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है और ये राजकुमारी के साथ 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 मंगला समझ के बातें करता था। जय। हाँ माँ। राजकुमारी की घोड़ी वापस कर दो, वरना ये बात एक दिन रंग लाकर रहेगी। तुम्हारी जीत ने राज के दिल में हमेशा के लिए कांटा चुभो दिया। क्यों आई? यूं ही दिल को किसी की याद तड़पा कर जगा लाई। फेंक दे।
एक हब्बी वक्त है, दे दे रुमाल। मेरे हाथ तो तू पकड़े है, मैं निकालूं कैसे? तो ले तेरा एक हाथ छोड़ देता हूँ, ले। छोड़ दे चंदन, चंदन छोड़ दे, छोड़ दे चंदन। चंदन छोड़ दे, मैं छोड़। Thank you.
राजकुमारी, जय तिलक किसी खतरनाक इरादे से छुपकर महल में आ गया है। जब तक वो गिरफ्तार ना हो जाए आप इसी कमरे में रहिए। क्या तुम नहीं जानते क्या आज महल में किसी मर्द को आने की इजाजत नहीं? हम क्षमा चाहते हैं, मगर आप इत्मीनान रखिए, वो महल के पहरेदारों के निशाने से बचकर नहीं जा सकता। खतरनाक इरादा? खतरनाक नहीं रंगी, क्या खैर? हाँ? तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं? मुझे ये रुमाल ज्यादा प्यारा। तुम आग से खेल रहे हो। आग भी तो मुझसे खेल रही है। इसका अंजाम सोचा? शमा के गिर्द जले हुए परवानों की राख खूब देख चुका हूं। आज तुम भी यहां से बचकर नहीं जा सकते। बदनसीब मुझे आज तुम्हारे हाथ से बचकर चला जाऊं। होली की तमाम रंगीनियां सिमट कर आज तुम में आ गई। भगवान की सौगंध इतनी प्यारी लग रही हो। जी चाहता है तुम्हें गुलाब से नहला दूं। रंग डालो, रंग डालो, रंग। गिरफ्तार कर लो इसे। पृथ्वी सिंह को हुक्म दो कि इसको भरे बाजार में कोड़े लगाए जाएं। राज की प्रजा, तुमको खबरदार किया जाता है कि तुम्हारी सलामती और भलाई इसी में है कि तुम राज को अंदाता समझकर उसके हर हुक्म पे सर झुका दो। अगर कभी किसी ने अपनी ताकत के घमंड में
सर उठाने की हिम्मत की तो उसका सर हमेशा के लिए कुचल दिया जाएगा। आज राज बहन का अपमान के जुर्म में संगनेरा के सरदार जयतिलक हाड़ा को भरे बाजार में कोड़े लगाए जाएंगे। कहाँ से हो? कहाँ मैं कहाँ? मुझे तो तुम लाए, हमारे राजकुमार। आप मेरे माँ बाप हैं, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो ये लोग मुझे मारे डालते हैं? राजकुमारी का हुक्म है, छोड़ दो इसको, गाड़ी चलाओ। मुझे इसमें तेरी शरारत मालूम होती है। रोको गाड़ी। उतर जा गाड़ी से। गाड़ी चलाओ। छुपा के प्यार का तूफान ले चले हम आज अपनी मौत का सामान ले चले मौत का सामान ले चले दिल में छुपा के प्यार का तूफान ले चले मिटता है कौन देखिए उल्फत की राह में उल्फत की राह में मिटता है कौन देखिए उल्फत की राह में बोले चले हैं आन तो हम जान ले चले मौत का सामान ले चले दिल में छुपा के प्यार का तूफान ले चले मंजिल पे होगा फैसला किस्मत के खेल का किस्मत के खेल का मंजिल पे होगा फैसला किस्मत के खेल का कर दे जो दिल का खून वो मेहमान ले चले मौत का सामान ले चले दिल में छुपा के प्यार का तूफान ले चले मेरा जंगली फूल ये महल पसंद आया तुम्हें याद है तुमने एक दिन मुझ पर इल्जाम लगाया था कि मैं कागज के फूलों से खेलता तुम ही बताओ मुझे क्या मालूम था कि संगनेरा के खंडर में एक जंगली फूल मेरे इंतजार में मुरझा रहा है आज ये फूल राजमहल के गुलदान में सजाया जाएगा तुम्हारी भी यही आरजू थी ना
ये भी अच्छा हुआ, इस फूल को सजाने से पहले इसके कांटे को भी तोड़ दो, इसको शिकारवाड़ी पहुंचा दो। जानती हो मैं तुम्हें यहां क्यों लाया हूं? गुलाम और कर भी क्या सकता है, हर शरीफ अपनी शराफत का गुलाम होता है। दरअसल तुम्हें यहां लाकर मैं तुम्हारे भाई को यही सबक देना चाहता था, अगर उसमें गैरत होगी तो आज से वो भी दूसरों की बहू बेटियों की इज्जत करना सीख जाएगा। मैं भी तुमको ऐसे सबक दूंगी जो जिंदगी भर याद रखोगे। लेकिन अभी तो हमारा पहले ही सबक पूरा नहीं हुआ, न तुमने मुझे कोड़े लगवाया और न मैं तुम्हें झोंपड़ों में ले गया। वो दिन देखने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे। जिसकी मौत जिस जगह लिखी होती है वो वहीं खिंचकर आ जाता है। दिल वाले अपनी मौत को साथ लेकर घूमते हैं। हट जाओ राज, हट जाओ। भैया, पहले मुझे इसे अपने अपमान का बदला लेना है। मालूम होता है वो घड़ी अभी आई नहीं, आज नहीं तो कल मगर आएगी जरूर। बांधो इसे दर से, घोड़ी मार मार के इसका मुंह बंद कर दो। ये आप क्या कर रही हैं राजकुमारी? उसको छोड़ दीजिए, उसने कहा था कि अगर आप उसको कोड़े लगवाइएगा तो वो आपको उठा ले जाएगा। घायल ही तो है।
दर्द को दिल याद ना कर, तड़पे जा यूं ही फरियाद ना कर, बेदर्द को दिल याद ना कर, तड़पे जा यूं ही फरियाद ना कर, क्यों रहम करे कातिल ही तो है, क्यों रहम करे कातिल ही तो है, टकरा गया तुमसे दिल ही तो है, रोए ना ये क्यों घायल ही तो है, घायल ही तो है। आ गई आखिर बेताब होकर, मुझे मालूम मैं तुमको आजाद करने का हुक्म देने आई हूं, इतनी सजा ने तुम्हारा दिमाग ठीक कर दिया होगा। बड़े हौसले बढ़ा दिए इस सजा ने, अब तुम्हें अपने साथ ले जाने का मुझे इख्तियार मिल गया। मेरी दया का मतलब गलत ना समझो, इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए यहां से चली जाओ। अब कभी मुझे अपनी सूरत न दिखाना। मेरी जिंदगी और मौत अपने हाथ में लेकर तुम मेरी हो चुकी हो, तुम्हें छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूं? अब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। मेरे करीब आने की हिम्मत न करना। घर क्यों गई राजकुमारी, अब जाती क्यों नहीं? मंगला, यही आटो लेकर तो तुम यहाँ आई हो, आजादी का हुक्म तो तुम महसा भी दे सकती थी। मंगला, तू यहाँ कैसे आई? तुम्हारी मोहब्बत के गीत सुनने और तुम्हारे कोड़े पड़ने का तमाशा देखने। पागल? हाँ, अगर पागल ना होती तो सारा जीवन तुम्हारी एक मुस्कुराहट की आशा में क्यों बिता देती? बंद कर अपनी जबान, तुझे लाज नहीं आती? लाज करे तुम्हारी ये राजकुमारी जो जमाने भर में अपनी आन और गुरूर का ढिंढोरा पीटती है और कैद की इन दीवारों में छुपकर मोहब्बत का नाटक खेलती है। दुनिया के सामने जिस मुंह पर नफरत से तमाचा मारती है, तन्हाई में उसी मुंह को प्यार से चूमने के लिए आती है। कहां गई तुम्हारे घराने की आन, राजसत्ता का गुरूर? मैं तुम्हारी इस रंगीन मोहब्बत की कहानी सारे राज को सुनाऊंगी। जय, यहां से फौरन निकल जाओ। सुरमा जी,
मंगला को शमशेर सिंह शिकारवाड़ी उठा कर ले गया। चंदन तुम सूरमा जी को संभालो। कर इज्जत की मौत मर जाओ वरना तुमको भी वो पापी मेरी मौत मारेगा। साथ उसकी जान भी लेना चाहती है। वो तुम्हें नहीं छुड़ा सकता। छुड़ा सकता है? वो मुझे को छुड़ाने आया है। सुनती नहीं? वो मुझे को पुकार रहा है। वो मुझे को पुकार रहा है। आखिर तूने उसकी जान ले ली, अब तू क्या करेगी? अब तुम हंसती गाती मेरे बाजुओं में आओगी। मुझे अपनी इज्जत अपने खून से ज्यादा प्यारी है। इस दरवाजे के खुलने से पहले
हर एक लड़की ने यही कहा, मगर हुआ यह है कि इस दरवाजे के बंद होने से पहले हर एक ने मेरे बाजू में पनाह ली। शेर नहीं हूं, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा, मगर तुम न मानी। आखिर वही हुआ जो मैंने कहा था, तब तुम नाचती गाती मेरे बाजू में आओगी। बोल। जय मर गया। अगर जिंदा हो तो मुझे उसका सर चाहिए। अभी तेरे कदमों में डाल दूंगा। मगर जिंदा प्यार करेगी? ठुकराऊंगी। जिस तरह उसने मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया। अपनी पायल की आवाज न रोक, तेरी हर आरजू पूरी कर दूंगा। अब तुम्हें अख्तियार है।
फेंक दो उसको शेरों के सामने। शेरों के सामने भी इसका मगरूर सर ऊंचा रहेगा। अच्छा तो इसका सर काट दो। तुम मुझे मार सकता है मगर हाड़ा इस मौत का बदला लेने के लिए जिंदा रहेगा। हाड़ा, आज मैंने तुम्हें ऐसी मौत मारा है जिसका कोई बदला नहीं। जाओ, अगर तुम अपनी ये सूरत दिखा सकते हो तो उनको दिखाओ जिन पर तुम इतरा रहे हो। अब वो तुम्हें अपना सरदार कहते हुए भी शर्माएंगे, वो तुम पर थूकेंगे। निकाल दो इसे। इसका गले पर उल्टा बिठाकर संगनेरा की तरफ हंका दो। ले जाओ। बदनसीबी ने हमको आपके सामने सर उठाने के काबिल नहीं रखा।
शमशेर बहादुर शमशेर सिंह जय तिलक हाड़ा के मनहूस हाथों घायल होकर जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे हैं। क्या वो अब तक जिंदा है? अफसोस है, वो अपनी जान बचाकर भाग गया। उसकी मौत मेरा इंतजार कर रही है। मंगला, तेरी चिता की आग हमारे दिलों में हमेशा जलती रहेगी। मोहब्बत कानून का भेस बदलकर तलवारों की झंकार में मुझे आजमाने आ रही है। रक्षा के लिए रण में हम हंसते हंसते अपना सब कुछ अर्पण करते हैं। बहादुर हाड़ा विजयी हो। ठहरो, मैं तुमको राज के खिलाफ तलवार उठाने की आज्ञा कभी नहीं दे सकती। रियासत की फौजें हम पर हमला करने के लिए आ रही हैं। क्या तुम चाहती हो कि हम अपने सरदार को घोड़ों की टापों तले रौंदे जाने के लिए छोड़ दें? सरदार की जिंदगी तुमको ही नहीं, सरदार की मां को भी प्यारी। अपने सरदार की मोहब्बत में तुम इस मिट्टी की मोहब्बत को न भूलो। इस पर तुमने जन्म लिया है, इसको तुम्हारे बाप दादा ने अपना खून पिलाकर हरा भरा किया। इन्हीं तलवारों पर जो आज तुम अपने हाथों में लिए हो, उन्होंने राजघराने की रक्षा की सौगंध खाई थी। मंगला की हत्या के साथ वो कसम ही टूट गई सरदार मां। जिस घराने ने हमारी इज्जत लूट ली, हम उसका नाम निशान तक मिटा देंगे। अगर तुम्हें अपनी जिद पूरी करनी तो पहले मंगला के साथ मेरी चिता भी बना दो। बोलो तुम्हारा क्या जवाब है, बोलो तुम्हारा क्या जवाब है, बोलो। तो आओ मेरे साथ, मैं आज संगनीरा की मिट्टी को छोड़ती हूं। स्वामी मुझे शक्ति दो ताकि मैं तुम्हारी याद पर अपनी जय को अर्पण कर सकूं। मां, आखिर तुम चाहती क्या हो? मां, तू क्या चाहता है? एक तेरे लिए हाड़ाओं की नस्ल का खात्मा कर दो। क्या ये सब मेरे बच्चे नहीं है? क्या ये मुझे मां कहकर नहीं पुकारते? मगर हम भाग कर जा भी कहां सकते हैं? सीमा छोड़ने से पहले रियासत की फौजें हम पर टूट पड़ेंगी। हमने गुनाह नहीं किया मां, अब गुनाहगारों की तरह भाग कर अपने बाप दादा के नाम पर गुनाह का धब्बा भी नहीं लगने देंगे। मां, मां हमारे पास एक ही रास्ता है मां, और वो ये कि हम सब लड़कर अपनी जान दे दें। हमें आज्ञा दो मां, मां हमें आज्ञा दो, मां हमें अपनी आज्ञा दो। मां, सबकी जान बचने का एक रास्ता है, Thank you.
मां तुम काफले को लेकर रवाना हो। जब तक फौजें तुम्हारे पास न पहुंचे मेरी जिंदगी की आस लगाए रखना, और अगर फौजों ने तुम्हें घेर लिया समझना कि मेरी लाश पर से होकर गुजरी। तिलक गांव को जाकर सीमा के पास भाग गया। वो जहां भी जाएगा मैं उसका पीछा करूंगी। मैं तुम्हें छोड़कर कहां जा सकता? मुझे तुम्हारी तलवारों और बंदूकों का डर होता तो तुम्हारे मुकाबले के लिए अकेला न रहता। और न तुम ये समझना कि मैं तुमसे दया की भीख चाहता। मैं तो अपनी मौत का इंतजार कर रहा हूं। अगर तुम यहां से वापस चली जाओ, मैं नहीं चाहता कि लोग तुम्हें मेरा कातिल कहकर बदनाम करें। मेरे लिए तुम्हारी फौज काफी है। फौजें तुमको राज का कानून तोड़ने की सजा देंगी। और तुम? मैं हर उस चीज को जो राजघराने के नाम को मिटाने की कोशिश करेगी तबाह कर दूंगी। तुम्हारे जिंदा रहने से राजघराने की आन टूटने का डर है। इतना खौफ है मेरे जिंदा रहने का? तुम्हारे मैं तुम जैसे आवारा खूनी को इज्जत की मौत नहीं दूंगी। तुम हाथी के पैर से बंद कर तांबे की सड़कों पर दम तोड़ोगे, सारा शहर तुम पर जिल्लत से ठोकेगा। तुम अपनी मौत को चीख चीख कर पुकारोगे मगर मौत भी तुम्हारी हालत को देखकर तुमसे दूर भागेगी। तुमने एक अदना देहाती लड़की के लिए एक राजकुमार के खून से हाथ रंगे। अब मैं तुम्हारा बाकी और ये तलवार फेंक कर वफादारी के तमाम बंधनों से आजाद हो गया। अब मैं जिंदा रहूंगा और मंगला के अपमान का बदला लूंगा। मैं तुम्हें सिखा दूंगा कि कदना देहाती लड़की की इज्जत भी तुम जैसी राजकुमारी से कम नहीं। मैं तुम्हें मंगला बनाऊंगा। अगर किसी एक ने भी गोली चलाई तो याद रखो राजकुमारी भी जिंदा नहीं रहेगी। Thank you.
मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इस वक्त तेरे अख्तियार में मर दे मुझे। मेरी मोहब्बत और तेरी नफरत का फैसला बंदूक से नहीं होगा। जब तक राजकुमारी से तुझे औरत नहीं बना दूंगा, एक कदना देहाती औरत, उस वक्त तक तुझे मरने भी नहीं दूंगा। मैं राजकुमारी पैदा हुई हूं और मरते दम तक राजकुमारी लाऊंगी। इस वक्त तू एक बेकस और लाचार औरत है, एक मर्द के रहम करम पर। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या बाकी रह गया? मेरी आन, वो इस वक्त मेरे पैरों में तड़प रही है। लेकिन मैं भी तुम्हारी इन जंजीरों में जकड़ा हुआ कैदी हूं। तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे दरमियान शराफत की यह दीवार हायल है। जाओ आराम से सो जाओ। तू भी बहुत भड़कती थी मिस्टर तारा, लेकिन अब मोहब्बत करती है ना? अरे मैंने इंसानों को मोहब्बत करना सिखा दिया है। तू तो जानवर। एहसान अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार, मैंने तुझसे किया है प्यार। मेरी नजर की धूप न भरती रूप तो होता हुस्न तेरा बेकार, मैंने तुझसे किया है प्यार। मान मेरा एहसान अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार, मैंने तुझसे किया है प्यार। उल्फत न सही नफरत ही सही, ओ उल्फत न सही नफरत ही सही, इसको भी मोहब्बत कहते हैं। तू लाख छुपाए भेद मगर हम दिल में समाए रहते हैं। तेरे भी दिल में आग उठी है जाग, जबां से चाह न कर इकरार, मैंने तुझसे किया है प्यार। मेरी नजर की धूप न भरती रूप तो होता हुस्न तेरा बेकार, मैंने तुझसे किया है प्यार। अपना
दीवाना बना लूं तुझको अगर अपना न बना लूं तुझको अगर एक रोज तो मेरा नाम नहीं पत्थर का जिगर पानी कर दूं ये तो कोई मुश्किल काम नहीं छोड़ते अब ये खेल तू कर ले मेल मेरे संग मान ले अपनी हार मैंने तुझसे किया है प्यार मान मेरा एहसान अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार मैंने तुझसे किया है प्यार सरदार तुम्हारा घाव ताजा है खून बहने लगेगा तुम आराम करो ये आराम का वक्त नहीं है तुम अपने नए जीवन की नींव डाल रहे जाओ अपना काम करो
ये तुम क्या कर रही हो राजकुमारी? ये तुम्हारा काम नहीं, कपड़े तुमसे नहीं सिलेंगे। लाओ मैं। क्यों मुझसे क्यों नहीं सिलेंगे? मैं सीऊंगी राजकुमारी। अगर तुम जाना चाहो तो मैं इंतजाम कर दूं। मुझे कौन रोक सकता है? मैं जाऊंगी। कब? अब ये लड़ाई के कपड़े ना पहनो, इनमें तुमको चैन नहीं मिलेगा। देखो ये कपड़े तुम्हारी नजरों में तो बहुत हकीर होंगे, मगर इनमें एक मां के जीवन भर के अरमान गुथे हुए हैं। ये मैंने अपने हाथों से जय की दुल्हन के लिए सिए थे। तो तुम मेरे पास क्यों लाई हो? ले जाओ यहां से, मुझे नहीं चाहिए। माँ देखो ये रंग कच्चा है। आहिस्ता आहिस्ता उतर रहा। कच्चा रंग क्यों उतर जाता है माँ? तो बाहर जा। अच्छा बदतमीज। ओ, 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 उस तरफ। माँ तुम इतना गुस्से से घूर घूर के मुझे क्यों देख रही हो? तुमने कहा जाओ मैं जा रहा हूँ, अच्छा उसमें गुस्सा करने की क्या बात है? और फिर ये रंग उतरता है तो उसमें मेरा क्या कसूर है? मैं कच्चा रंग तो उतरता ही है। लाओ कपड़े धो लाऊंगा। मैं कपड़े नहीं धो जाती। तो लाओ इन्हें, मैं धूप दिखा लाऊं। सूरज डूब चुका। नहीं माँ, अब तो सवेरा होने ही वाला है, अब एक नया सूरज निकलेगा और अपने असली रंग में चमकेगा। उसका रंग हमारी बैलगाड़ी के रंग की तरह कच्चा नहीं होगा। तुम ठीक है ना मंगला? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। क्यों अपनी जान के पीछे पड़ा? बगैर दागे काम नहीं चलेगा। जानता नहीं कि जख्म में जहर फैल गया? इस जहर को मैं अपने खून की आग में जलाऊंगा। इत्मीनान रखो मां, मैं मरूंगा नहीं।
कबूतराने मन के दियाशा आई दुल्हन बन के नाचो नाचो मन की ताल पे छम 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 आज खुशी तन तन के जी कर कर आई है गिर तन के जी नाचो नाचो मन की ताल पे चम 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 नाचो नाचो मन की ताल।
इस आदमी ने नागरानी का अपमान किया है, आज्ञा हो किसका सर काट दिया जाए। हम नहीं तीर से तलवार से मरने वाले, कत्ल करना है तो एक तिरछी नजर काफी। कौन हो तुम? इश्क कहते हैं मुझे, हुस्न का दीवाना, कभी बुलबुल कभी भौरा कभी परवाना, चांद तारों ने मेरे दिल से चमक पाई है, मेरे ही प्यार से फूलों ने महक पाई है। हुस्न वाले मेरा अरमान किया करते हैं, दिल मेरे नाम पे कुर्बान किया करते हैं। क्या तुम कवि हो? ये कवि नहीं है, मेरा कैदी है। अब ये मेरा कैदी है। तुम्हें इससे प्रेम करने का कोई अधिकार नहीं है। ये तुमसे प्रेम करती है? कहते नहीं जबान से दिल बेकरार है, नजरें बता रही हैं इन्हें मुझसे प्यार है। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। तुमने मुझे अभी पहचाना नहीं है, मैं तांबे की राजकुमारी हूँ। अगर तुमने इसको मेरे हवाले नहीं किया तो मैं अपनी फौज को लाकर तुम्हारे राज की ईट सीट बजा दूंगी। रहो, चुप, नहीं तो सीट दूंगा। इस घमंडी औरत का सर नीचा करने के लिए इसके बाल काटकर राज्य से बाहर निकाल दो। घोर अनर्थ गुरुदेव, पाप की घोर घटाएं नागशिला राज पर उमड़ रही हैं। जिन फूलों को हमने अपनी तपस्या से महकाया था उनको एक तुच्छ मनुष्य के पैरों तले कुचलने से बचाओ। हमारी पूज्य रानी मोह जाल में फंसकर प्रेम के पापी रास्ते में भटक रही है, उसको रास्ता दिखाओ गुरुदेव। गुरुदेव, मुझे प्रेम पुष्प अर्पण करने के लिए अपने देवता के चरण मिल गए हैं, आप बोलते क्यों नहीं गुरुदेव? क्या प्रेम पाप है? प्रेम जीवन महासागर की निर्मल लहर, जो ऊंच नीच रूप रंग और जात पात के भेद से परे है। प्रेम संसार को एकता में बांधता, अतएव जो प्रेम करते हैं वे महान। दुर्भागी हैं वे मनुष्य जो प्रेम जैसी अनमोल वस्तु को पाकर ठुकराते हैं। Thank you.
कलंकिनी। तुम इसको नहीं मार सकते। तुम्हारी आरजू ने तुमको धोखा दिया कि मैं मर गया। तुम्हारे और इसके दरमियान जो दीवार थी वो टूट गई। तुम जानती थी कि मैं मरा नहीं, तुम चाहती थी कि मैं मर जाऊं। तुम मेरी मौत के इंतकाम का बहाना बनाकर इस भेड़िए के पास चली आई ताकि जो काम यह अधूरा छोड़ाया है उसको पूरा करने के लिए वापस ले जाओ। अब तुम्हारी जगह भी इसके पास इस मिट्टी में है जिसमें तुमने हमारी इज्जत को मिला दिया। अब यह मिट्टी मेरी मांग का सिंदूर है। तुम्हारी मांग भरने से पहले मैं इसे अपने घोड़े की टापों से कुचल दूंगा। ये मेरी जिंदगी है, मेरी आत्मा है, तुम मुझे इसे जुदा नहीं कर सकते। मैं तुम दोनों को मिला दूंगा। इस मिलाप पर जश्न होगा। इसकी लाश अपने शिकारी कुत्तों को खिलाऊंगा और तुमको खाने से भी वो इनकार नहीं करेंगे। कलिम सिंह, इसको भी संग नेरा के गुलामों के साथ बंद कर लाओ। लगा हुए हो
एक जमाने के बाद हुए हम तेरे, हुए हम तेरे एक जमाने के बाद तेरी याद आई, तेरी याद आई तेरे जाने के बाद तेरी याद आई, तुझे खो दिया हमने। मोहब्बत मिली और तू खो गया, तू खो गया, हाँ बदलते ही किस्मत ये क्या हो गया, क्या हो गया, खुशी छिन गई दिल लगाने के बाद खुशी छिन गई, खुशी छिन गई दिल लगाने के बाद तेरी याद आई तेरे जाने के बाद तेरी याद आई। जय तिलक कहाँ है? तिलक कहाँ है? इससे मैं अपने ढंग से पूछूंगा। मार डालूंगी। बता दीजिए, जाकर पता बता दीजिए, आप मेरा ख्याल रखिए, मेरे बेटे का ख्याल रखिए। आप पे से ऐसे हजारों बेटे कुर्बान हैं, आप अपनी जान बचाइए। गौर जी, मैं बताती हूँ तुमको, जाएगा पता, वादा करो कि तुम इनकी जान नहीं लोगे। मैं तुमको अपने बेटे का पता बताती हूँ, अपने बेटे का पता बताती हूँ, मैं तुमको अपने बेटे का पता बताती हूँ। आप मर चुके हैं और अब इस जैसी हजारों पागल माएं अपने बेटों का खून देकर भी आपको जिंदगी नहीं दे सकती। अब भी वक्त है मेरी जिंदगी से फायदा उठा लो। मैं आपकी मौत की बाजी लगा चुका हूं भाई जी महाराज। वो बाजी तुम हार गए, अब अपनी हार मान लो। चल भगत सिंह, महाराज कहाँ है? स्वर्ग में सरकार। जालिम सिंह, तुमने अपने हाथ से उनको स्वर्ग में भेजा? जी हाँ, मगर नर्क में। तो तुम भी नर्क में जाकर उनका स्वागत करो और तुम स्वर्ग में। इस कले के नीचे बारूद की सुरंग बिछा लो और जिस घड़ी हमारे सिर पर ताज रखा जाए उन पर आग रख दो। जैसे ही राज्य के कोने कोने को नकारे की आवाज से दहला दो कि महाराज का विलास में देहांत हो गया। दीवान सिंह, कल सूरज डूबने से पहले जय तिलक और राजकुमारी को जिंदा या मुर्दा हमारे सामने हाजिर किया जाए। भारत की सुरंगें बिछाई जा रही हैं। देखो कौन है।
महाराज चंदन है। वफादार प्रजा, यह खबर तुम तक पहुंचा दी गई है कि महाराज का देहांत हो गया। वो मरने से बहुत पहले मर चुके थे। उनके कमजोर हाथों में हुकूमत की तलवार पकड़ने की शक्ति बाकी नहीं थी। यही उनकी बीमारी थी और यही उनकी मौत का सबब था। मुझे उनके मरने का दुख है, मगर उससे ज्यादा दुख है राजकुमारी के जिंदा रहने का। हमारे खानदान के चिराग ने, जिसकी इज्जत और आबरू से राज्य की आन बान के सिक्के बिठाए गए थे, एक अदना गुलाम के कदमों में गिरकर शाही तारीख के सुनहरे सबों पर कलक लगा दी है। उसके पागलपन का फायदा उठाकर कुछ गद्दार हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश कर रहे हैं। वो शायद ये भूल गए कि शमशेर सिंह, जो राज्य का सच्चा वारिस हकदार है, भी जिंदा है। जब तक उसके बाजुओं में ताकत और हाथ में तलवार है, राजा राजा रहेगा, प्रजा प्रजा रहेगी। अब मैं तुम्हारा महाराज हूं, मैं भगवान की इच्छा को पूरा करूंगा। जो कदम आगे बढ़े, मैं इस ताज को हाथ नहीं लगाने दूंगी। ये गद्दार राज का वारिस नहीं है। फिर कौन? तुम पहचानते हो इसको? कागज के टुकड़ों पे इतना भरोसा? ये महाराज की अंतिम इच्छा और प्रजा की जागी हुई उमंगों का परवाना है। प्रजा की जागी हुई उमंगे महाराज के साथ सो गई। जिसके हाथ में तलवार है, उसी के कदमों में राज रहेगा। प्रजा राज को तलवार की नहीं, आवाज की जरूरत है। मैं उनकी आवाज हूँ। आवाज? मैं इनकी नजरों के सामने तुझको जिंदा जला डालूंगा और ये कीड़े मकोड़े तेरे लिए सिसक भी न सकेंगे। शमशेर सिंह के राज्य में सिर्फ शमशेर सिंह की आवाज सुनी जाएगी। जला दो विद्रोही को, ताकि राजघराने का नाम पवित्र हो जाए। विद्रोही मैं नहीं, विद्रोही है तू, जिसने महाराज के खून से हाथ रंगे। प्रजा जनो, ये महाराज का वारिस नहीं, ये महाराज का कातिल है। राज की हत्या, राज की प्रजा, यही महाराज की अंतिम इच्छा थी। ये तख्त तुम्हारा है, ये ताज तुम्हारा है, ये मुल्क तुम्हारा है। अगर कोई अपनी जगह से हिला तो उसको गोली से उड़ा दिया जाएगा। चला गोली अगर तुझ में हिम्मत है तो, तू इसको नहीं चला सकता। हेलो, चूटी की मौत आती है तो उसके पर निकल आते हैं, उसको खुद उड़ कर आने दो। चूटी जहरीले सांप की मौत बनकर आई है,
जिसकी मौत जिस जगह लिखी होती है वो वहीं खिंच कर आ जाता है। इस दिन को आना ही था और आज आ गया। तू अपनी तोप और बंदूकों की आड़ में अपने झूठ को छुपाना चाहता है। महाराज जिंदा है और महाराज शमशेर सिंह की खान है और महाराज बारूद में आग लगा खिले उड़ा लो। नहीं महाराज, मर चुके हैं। अब तुम उस मुर्दे की सूरत कभी नहीं देख सकते। मैं तुम्हारा महाराज हूँ, मैं तुम्हारा महाराज हूँ। मेरे रास्ते में जो भी रुकावट बनकर आएगा उसको नेस्त नाबूद कर दूंगा। तेरी बंदूकों की गोलियां सूखते हुए तूफान को नहीं रोक सकती। एक गोली चलेगी और यहाँ एक सूरत नजर नहीं आएगी। बुजदिल, अगर तेरी तलवार का लोहा जंग खा गया है तो अपनी फौजों की ताकत भी आजमाए। मैं निहत्ते इंसानों के सैलाब से तुझको और तेरी ताकत को एक सूखे तिनके की तरह बहा दूंगा। हटा दो दोस्त। आज शमशेर सिंह की उस तलवार को ललकार आ गया है जिसने आज तक हार नहीं देखी। हमारे प्रेम की जीत हुई। जय महाराज। जय प्रजा। जय प्रजा। जय प्रजा। आज कोई राजा ना, आज कोई रानी है। प्यार भरे जीवन की एक ही कहानी है।